नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुल्तानगंज गंगा घाट में स्नान के दौरान दो कांवड़ियों की नदी में डूबकर हुई मौत, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर निकाला शव। बाढ़ और कटाव का निरीक्षण करने डीएम पहुंचे नवगछिया, कटाव स्थल पर विशेष निगरानी रखने का दिया निर्देश। शराबबंदी कानून के बाद भी नहीं थम रहा है अवैध शराब का कारोबार, वाहन जांच के दौरान एक ट्रक शराब बरामद, दो गिरफ्तार। भागलपुर में कांस्टेबल के पद पर तैनात जवान ने पास की सिविल सर्विसेज की परीक्षा, साथी पुलिस कर्मियों ने दी बधाई। और अपराध नियंत्रण को लेकर एसपी ने की पुलिस अपराधियों के साथ बैठक, लंबित मामलों पर की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में अजकैवीनाथ गंगा घाट पर गंगा स्नान करने गए दो कांवरियों की मौत डूबने से हो गई। वहीं गंगा में डूबने वाले कांवरियों के परिजन अशोक पाठक ने घटना को लेकर बताया कि मृतक अपने पिता के साथ अजकैवीनाथ गंगा स्नान करने देवघर से आए थे, लेकिन गंगा स्नान करने के दौरान अचानक गहरे पानी में चले जाने के कारण अमरनाथ मिश्रा और विक्की मिश्रा नदी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान गया के गुरारू थाना क्षेत्र निवासी गोपाल मिश्रा के पुत्र अमरनाथ मिश्रा और गया विष्णुपद थाना क्षेत्र पांतनगर निवासी विनोद मिश्रा के पुत्र विक्की मिश्रा के रूप में हुई है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और एसडीआरएफ टीम की मदद से दोनों डूबे युवक का शव गंगा से बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। ये मेरे दामाद के भाई हैं। क्या नाम है? एक का नाम अमरनाथ है और विक्की। कहाँ घर है? घर ही लोग को गया डिस्ट्रिक्ट में है। दोनों में मेरे मेरे भाई थे। दोनों का पिता का नाम? अमरनाथ का पिता का नाम गोपाल मिश्र है और विक्की का पिता का नाम विनोद मिश्रा है। विक्की का घर प्रॉपर गया टाउन में और इनका घर गुरारू थाना में जबूर एक बस्ती है, वहीं अमरनाथ। यहाँ क्या नहाने आया था? यहाँ ये लोग देवघर जाने के लिए जल भरने आए थे, उनके पिताजी भी साथ में थे। तो स्नान करके पूजा करने लगे और दोनों नहाने गए, उसी में डूब गए। भागलपुर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन बाढ़ और कटाव का निरीक्षण करने मंगलवार को नवगछिया पहुंचे, जहां डीएम ने जहानवी चौक और बिंदटोली बाग के साथ कई इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने दो नंबर स्पर के पास पिछले वर्ष भी कटाव होने की बात करते हुए सभी कटाव स्थल पर विशेष निगरानी का निर्देश जल संसाधन अभियंता को दिया। वहीं 6 नंबर स्पर के पास बने नोच को देख कर डीएम ने इसकी विस्तृत जानकारी ली। इधर हाईकोर्ट अधिवक्ता मुकेश कुमार ने डीएम से अगले वर्ष रिवर के अपोजिट साइट में सोल कटिंग कार्य करवाने की मांग करते हुए कहा कि इससे बांध पर दबाव भी कम होगा, जबकि इस्माइलपुर जिला परिषद सदस्य विपिन कुमार मंडल ने प्रखंड में बाढ़ग्रस्त इलाकों की समस्या से डीएम को अवगत कराया। इसके अलावा जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने रंगरा प्रखंड के झल्लू दास टोला और ज्ञानी दास टोला में हो रहे कटाव में गंगा की आगोश में समा चुके घरों की पूरी रिपोर्ट नवगछिया एसडीओ उत्तम कुमार से मांगी। डीएम ने कहा कि जितने घर विलीन हुए हैं उसकी पूरी जांच के बाद उन परिवारों को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। वहीं बांध की समस्या के स्थायी निदान को लेकर भाजपा नेता से सैदपुर पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि ने पुख्ता इंतजाम करने की बात कही, जिसके बाद डीएम ने कहा कि अगर भू अर्जन की समस्या नहीं होगी तो इस पर बांध के लिए भी जरूर विचार विमर्श किया जाएगा। मौके पर नवगछिया एसपी शांत कुमार सरोज, एसडीओ उत्तम कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार, इस्माइलपुर और गोपालपुर सीओ के अलावा वीडियो एवं जल संसाधन विभाग के अभियंता मौजूद थे। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद अवैध शराब तस्करी का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। अक्सर भागलपुर समेत सूबे के अलग अलग जिलों में पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा भारी मात्रा में शराब बरामदगी के साथ तस्करों की गिरफ्तारी भी की जाती है।
लेकिन इसके बाद भी शराब कारोबार बदस्तूर जारी है। ताजा मामला भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र का है, जहां जगदीशपुर सनहोला मोड़ के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सोमवार की देर शाम झारखंड से अवैध शराब की बड़ी खेप भागलपुर लाई जा रही थी। इसकी जानकारी मिलते ही भागलपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जगदीशपुर सनहोला मोड़ के समीप नाकेबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया। इस मामले को लेकर जगदीशपुर पुलिस ने कहा कि तलाशी अभियान में शराब भरे ट्रक के साथ ट्रक चालक और खलासी को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि जब्त ट्रक से 192 कार्टून से 1691 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है, जिसे तस्करों द्वारा फिर्स और गोदरेज से ढक कर भागलपुर लाया जा रहा था और बरामद शराब की अनुमानित कीमत लाखों रुपया बताई जा रही है। कहते हैं कि दिल में अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा हो तो राह में आने वाली सभी बाधाएं खुद ब खुद आसान हो जाती है। ऐसा ही कारनामा भागलपुर के कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित रहे विनय कुमार ने कर दिखाया है। दरअसल नालंदा के भटकाऊ निवासी रिटायर्ड आर्मी बाल गोविंद प्रसाद के पुत्र विनय का बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के प्रति रुझान रहा, जिसके बल पर उन्होंने वन विभाग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। वह इससे पूर्व साल 2015 में विनय कुमार ने बिहार पुलिस की बहाली प्रक्रिया में सफल होकर अपने सफर की शुरुआत भागलपुर से की थी। इसको लेकर विनय कुमार ने कहा कि शिक्षा में शुरू से उनकी अभिरुचि रही है, लेकिन आगे बढ़ना काफी चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने बताया कि माता पिता के सहयोग से उन्हें बिहार पुलिस की नौकरी तो मिल गई, लेकिन उनका मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ था और उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी जारी रखी। विनय कुमार ने कहा कि नौकरी के साथ पढ़ाई करना कठिनाइयों से भरा था, लेकिन इसमें उन्हें विभाग के अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिला, जिसके कारण आज वह इस मुकाम पर पहुंच सके हैं। वहीं विनय की इस उपलब्धि पर उनके सहयोगियों ने भी खुशी जाहिर की। पुलिस विभाग पर जितना भी ड्यूटी है, इंपॉर्टेंट ड्यूटी करते हुए जो भी समय बचा, चाहे एक घंटा हो, दो घंटा हो, जो भी समय उसमें पढ़ाई किए थे। कैसे तैयारी करते हैं? तैयारी का कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि पुलिस का ड्यूटी कोई फिक्स टाइम का नहीं होता है, इसलिए जो भी समय मिले, जहाँ भी मिले वहीं पढ़ें। अभी तक कितना स्टाफ लगा हुआ था, अब कितना लगेगा? अभी तो सर हम बिहार पुलिस में कांस्टेबल हैं, और आने वाला समय जब प्रतिनियुक्ति होगी तो 3 स्टार। कैसा महसूस कर? बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, इतना सारे मीडिया को देख के अच्छा लग रहा है सामने। सर ये बताइए कि जब आप इस चीज़ की पढ़ाई करते थे, तो क्या ड्यूटी और पढ़ाई में कॉम्बिनेशन बन पाता था? कहीं दिक्कत आती थी? दिक्कत आती थी, लेकिन बड़ी अधिकारी के द्वारा कुछ सहयोग प्राप्त होती थी, उसके बाद ही दिक्कत तो आएंगे ही। पुलिस का नौकरी है तो उसको करते हुए, ड्यूटी करते हुए पढ़ना है, तो जहाँ भी रहे हैं, जहाँ भी जो गार्ड में भी रहे हैं, तो हमारे सब पार्टी द्वारा बहुत सारा हेल्प हुआ। जहाँ भी रहे, यहाँ मेरे सर भी बहुत सारे फिजिकल में हमको छूट दिए, जो भी सहयोग हुआ, सभी के सहयोग से आज सफलता मिली है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने इलाके में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों और थाना अध्यक्षों के साथ अपराध नियंत्रण गोष्ठी की। इस दौरान एसपी ने एसडीपीओ एवं सभी थाना अध्यक्षों को चेहल्लूम और विश्वकर्मा पूजा पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों के सभी थाना प्रभारियों को भी हर तरह से मुस्तैद रहने का निर्देश दिया। साथ ही एसपी ने एक्साइज मामले में मिली उपलब्धियों पर भी चर्चा करते हुए अगस्त महीने में दर्ज हुए केस के निष्पादन पर भी सभी थानेदारों से चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिया। साथ ही अपराध पर रोक लगाने के साथ फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और जमानत पर बाहर चल रहे अपराधियों पर निगरानी रखने का निर्देश थाना प्रभारियों को दिया। इसके अलावा क्राइम मीटिंग में एसपी ने बेहतर कार्य करने वाले गोपालपुर एसआई नीरज कुमार, खरीक थानाध्यक्ष पंकज कुमार और एसआई मोहम्मद मोहताफ खान को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस महीने आपका दो महत्वपूर्ण पर्व है, चेहल्लूम और विश्वकर्मा पूजा, दोनों एक ही दिन पड़ता है। इसके बारे में सभी थाना प्रभारी को, पुलिस निरीक्षक को, एसडीपीओ साहब चर्चा सब की गई और उन लोगों को सेंसिटाइज किया गया। दूसरा, अभी देखिए बाढ़ का पानी नीचे उतर रहा है, उस चलते भी बांध की सुरक्षा के थ्रू जो भी थाना प्रभारी नदी से जुड़े हुए हैं उनको भी ब्रीफ किया गया, क्या क्या सावधानी बरतनी है। फिर हम लोग एक्साइज के मामले में इस बार जो उपलब्धि और बढ़े, इस महीने से जो अगस्त जो उपलब्धि हुआ है वो संतोषप्रद नहीं कह सकते, इससे अधिक उपलब्धि हो इस बारे में भी चर्चा उन्होंने किया है। उसके बाद फिर जो अगस्त महीने में जो केस दर्ज हुआ, जितना केस दर्ज हुआ
उससे अधिक डिस्पोजल हुआ है पूरे जिला भर का कह सकते हैं। हालांकि और डिस्पोजल होना चाहिए था, लेकिन तो भी रिपोर्टिंग से अधिक डिस्पोजल हुआ है, उस पर चर्चा की गई। अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट का आया है आदेश कि 300 दिन से अधिक जो FIR दर्ज हुआ है जिसका कि फाइनल कोर्ट सबमिट नहीं हुआ है, उस मामले में भी चर्चा हम लोगों ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर कटिहार में भाजपा के बड़े नेता कैंप कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मंगलवार को मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार जब तक गुलामी कर सकते हैं करें, जब भी वे कभी थोड़ा दाएं बाएं करेंगे तो तेजस्वी को सिर्फ 5 विधायक की जरूरत है। तेजस्वी JDU के ही मंत्री को अपने पार्टी में मिलाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने के लिए भेज देंगे। नीतीश कुमार जी जब भी कोई अपने दिमाग से घटिया काम करते हैं तो उसका एक बहाना ढूंढते हैं। भाजपा और JDU का जो समीकरण था केवल 5 विधायकों की मेजॉरिटी का समीकरण था। अगर इसमें से किसी भी दल में कोई तरह की टूटफूट होती तो वो सरकार कैसे बन जाएगी? सरकार बनाने के लिए अगर केवल 5 निकल जाए, हाँ यह जरूर है कि जो मैं देख रहा हूँ नीतीश जी जितने दिन गुलामी कर सकेंगे करेंगे, थोड़ा भी गुलामी में दाहिने बाएं किए तो तेजस्वी जी को तो 5 विधायकों की जरूरत है, इन्हीं में से 5 मंत्रियों को वो JDU का मिला लेंगे, खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश कुमार जी को कहेंगे कि अब आप देश के प्रधानमंत्री बनिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए माओवादी ड्रोन का सहारा ले रहे हैं। इसका खुलासा औरंगाबाद पुलिस द्वारा अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित मदनपुर थाना क्षेत्र की दुर्गम जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के बाद हुआ। सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम को आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है, जिसको लेकर पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। SP कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस को खुफिया इनपुट मिला, जिसमें मदनपुर थाना क्षेत्र के ढोबा, कस्मर स्थान, बंदी मोरवा, विदाई नगर, नीमिया बथान एवं आसपास के इलाकों में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला करने की तैयारी की बात पता चली थी। वहीं इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक अभियान मुकेश कुमार और 205 कोबरा वाहिनी के उप समादेष्टा संजय बेलवाल के संयुक्त नेतृत्व में कोबरा एवं CRPF की 47वीं वाहिनी और स्थानीय पुलिस टीम ने इन इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त सर्च अभियान चलाया। SP ने कहा कि सर्च अभियान में नक्सली गतिविधि से जुड़े सामान के साथ रोजमर्रा के उपयोग की सामग्री बरामद हुई, जिसे टीम ने मौके पर ही विनिष्ट कर दिया, जबकि इसके अलावा एक ड्रोन और कई हथियार के साथ नक्सली साहित्य बरामद किया गया। साथ ही कहा कि नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए छापेमारी अभियान लगातार जारी है। नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मदनपुर थाना अंतर्गत डोभा, कस्मर स्थान, बंदी मोरवा, विदाई नगर और नीमिया बथान के आसपास नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा और समादेष्टा 205 कोबरा वाहिनी के संयुक्त निर्देशन में एक टीम काम कर रही थी, जिसका कि नेतृत्व ASP अभियान और डिप्टी कमांडेंट 205 कोबरा श्री संजय बेलवाल कर रहे थे। इसके सहायता के लिए 47 CRPF की फोर्स भी थी, साथ में जो स्थानीय पुलिस द्वारा भी इस टीम में सहयोग दिया जा रहा था। नवगछिया के एक लव्य प्रशिक्षण केंद्र उच्च विद्यालय साहू प्रवत्ता में बीते 1 सितंबर से तीरंदाजी खेल की ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण केंद्र में मेन्यू के मुताबिक भोजन नहीं मिलने की शिकायत की है। वहीं ये बात मीडिया में आने के बाद केंद्र के कोच और वार्डन ने सभी 5 शिकायतकर्ताओं को केंद्र से बाहर निकाल दिया। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि सारण, गया, थाना भीपुर, पीरपैती, बांका समेत कई जगहों से आए 5 प्रशिक्षुओं को 3 दिनों से नवगछिया रेलवे स्टेशन पर दिन रात गुजारना पड़ रहा था और मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे जाने पर जब प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था की कमियां बताने पर इसकी खबर छपी तो संस्थान के कोच और वार्डन ने उल्टा प्रशिक्षुओं पर ही कई आरोप लगाते हुए वहां से 5 को संस्थान से निकाल दिया। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर से निकाले गए सभी 5 प्रशिक्षु कई प्रतियोगिता के साथ नेशनल लेवल पर कई गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। इधर प्रशिक्षण केंद्र से निकाले गए प्रशिक्षुओं में निर्भय कुमार सिंह, बादल कुमार सिंह, विकास कुमार, किशन कुमार और ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर प्रशिक्षण केंद्र में सुविधाओं का अभाव
होने के साथ केंद्र में प्रवेश दिलाने की गुहार लगाई है। वहीं एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र साहू उच्च विद्यालय साहू प्रवक्ता के प्रभारी प्रधान अध्यापक ने कला संस्कृति एवं युवा विभाग पटना के निदेशक जिलाधिकारी और जिला खेल पदाधिकारी को केंद्र से निकाले गए पांचों प्रशिक्षुओं द्वारा ट्रेनिंग में व्यवधान डालने और अनुशासनहीनता की बात कही गई है। एकलव्य साहू प्रवक्ता में सर, मैं एकलव्य साहू प्रवक्ता में प्रशिक्षण ले रहा था। अभी हाल में हमारे स्टेट में गेम हुई थी, उसमें मैंने मेडल प्राप्त किया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे मीडिया वाले आए थे हमसे पूछने के लिए कि आप लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं। हमने मेरे साथ जो जो हम लोग की समस्याएं लगी वो मैंने बताया। मेरे को नहीं पता था कि हमने क्या गलत बोला। हमने मीनू के बारे में बोल दिया था कि मीनू हम मतलब मीनू के अनुसार नहीं मिलता है। उस प्रशिक्षणों को बहुत ख़राब लग गया कि बच्चे ने मीडिया वाले को बुलाया और ये सब बताया, और हम लोगों को बिना कोई नोटिस के उस दिन बोला गया। उसके बयान उस कल होकर बोला गया आप अपना सामान लेके चले जाइए घर, नहीं तो आपको पेन चला दिया जाएगा तो आपका भविष्य ख़राब हो जाएगा। और हम लोग को वहाँ से सडनली भगा दिया गया। मैंने 3 दिन पे सर हम लोग रेलवे स्टेशन पे सोए, पर किसी ने कॉल करके ये नहीं पूछा कि तुम लोग हो कहाँ पे। और उन्हें तो बोला जा रहा है, मेरे पर झूठ झूठ का आलसा लगाया जा रहा है कि वो उसको गाली दे के निकला है और वहाँ पे आ जाएगा तो उसको जात के मुंगा दिया जाएगा। मेरे सामान को बोला जा रहा है कि सबका सामान निकाल कर फेंक दिया जाएगा। हमारा कॉस्टली इक्विपमेंट सरकार भी नहीं दी थी, हम लोग खुद का खरीदे हुए थे, वो भी बोला जा रहा है कि सब फेंक दिया जाएगा। कौन स्टेशन पे सोए थे? नौगछिया स्टेशन पे हम लोग 5 लोग हैं, 3 दिन तक सोए हैं सर। सैटरडे से लेने वाला हूँ, मैं सारण का रहने वाला हूँ। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। सुल्तानगंज जंगाघाट में स्नान के दौरान 2 कांवरियों की नदी में डूबकर हुई मौत, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर निकाला शव। बाढ़ और कटाव का निरीक्षण करने डीएम पहुंचे नवगछिया, कटाव स्थल पर विशेष निगरानी रखने का दिया निर्देश। शराबबंदी कानून के बाद भी नहीं थम रहा है अवैध शराब का कारोबार, वाहन जांच के दौरान 1 ट्रक शराब बरामद, 2 गिरफ्तार। भागलपुर में कांस्टेबल के पद पर तैनात जवान ने पास की सिविल सर्विसेज की परीक्षा, साथी पुलिस कर्मियों ने दी बधाई। और अपराध नियंत्रण को लेकर एसपी ने की पुलिस अपराधियों के साथ बैठक, लंबित मामलों पर की चर्चा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।